यदि कोई नारी पूरे कुटुंब के साथ में रह रही है, देवरानी, जेठानी, सास, ससुर, नातेदार, रिश्तेदार सब आपके साथ में रह रहे हैं, सब कोई, और यदि कोई नारी एक परिवार में सबने जो भोजन करा है, बर्तन जो एकाग्रित हुए हैं, उसको भी अगर वो परिवार की सेवा में भी तत्परता में उसको साफ कर रही है, तो कितना सुंदर लिखा है भविष्य पुराण में कि अगला उस नारी का जब जन्म होता है तो वो सारे दरिद्र से दूर हो जाती है, मां सारे दरिद्र से दूर, धन वाली सेवा नहीं। एक सेवा थी धन वाली, जैसे आपके यहां कोई काम वाली आती है, ठीक है, आप उसको पैसा देते हो तब बर्तन साफ कराते हो, ठीक है, वो सेवा की बात नहीं चल रही, वो एक लेन देन वाली सेवा होगा, क्या आपने कुछ दिया उसने आपके यहां सेवा कर, वो सेवा एक अलग हो गई। जब घर में सास भी है, बहुएं भी हैं, देवरानी जेठानी सब हैं, और उसमें जो आप सेवा करें महाराज, उसका भी पुण्य हमारे यहां भविष्य पुराण में लिखा है कि उसका भी फल है। चौरासी लाख योनियां मनुष्य को काटना है, कितनी योनियां, 84 लाख। गरुण पुराण में स्पष्ट किया गया चौथे अंश में कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनी तो ये वृक्षों की होती है, काय की योनी है, ये पेड़, ये वृक्ष, 20 लाख योनी पेड़ों की, ये वृक्ष। ये तुम जो मनुष्य देह में अपन सब बैठे हैं, तो ये मत सोचना कि तुम्हारी योनि नहीं थी, पहले तुम भी पेड़ बन के पैदा हुए। 84 लाख योनि में 20 लाख योनि वृक्ष की है, कांटेदार पौधे बने, आम का पेड़ बने, लोगों ने पत्तियां तोड़ी, तोड़ी तो रोए, बिलखे, फल लगे, पत्थर मारे लोगों ने, और पत्थर मार मार के झड़ाया, वो वृक्ष की योनि में, पानी में, बरसात में, धूप में खड़े रहे, बिलखते रहे, नैनों से आंसू बहते रहे, जड़ की तरह स्थिर होकर खड़े हुए हैं। पौधा बन गए, फूल लग गए, फूलों को रोज कोई ना कोई नोच के ले गया, कितना कष्ट हुआ है, कितना दर्द हुआ है। 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि वृक्ष और पौधे की है, बीस लाख योनि जलचर की है, पानी में जो कई जम जाती है, कई उस कई में जो कीड़े पड़ जाते हैं उसकी योनि 20 लाख, अलग अलग वैरायटी के कीड़े बने, कोई नहाने आया पांव रखाया मां मर गए, कोई कपड़े धोया मां मर गए, कोई ने झाड़ू लगाई फिनाइल डाला वहां मर गए, 20 लाख योनि इसकी है। तुम अपन सोचें कि बताओ ऐसी भी योनि होती है, 84 लाख योनियां काटते 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 तब जाकर ये मनुष्य की देह मिली है, तब मिली, आखिरी में मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, और 84 लाख योनियां काटने पर जो मानव की देह मिली वो केवल दो ही कारण है, एक भगवान का भजन करो और दूसरा कर्म का भोग भोगो, जो पूर्व में करके आए हो उसको भोग लीजिए महाराज, भोग। कितने लड़के देखे तुम्हारे लिए, अरे बोलो तो जरा जम के, कितने देखे, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था, अरे बोलो तो सरी, और इनके लिए भी कितनी लड़कियां देखी साहब, हर रिश्तेदार से बोल के रखा, पत्रिका में देखा, इसमें देखा, उसमें देखा, कितने संबंध देखे, पर इनकी किस्मत में यही जगदम्बा लिखी थी, बोलो सही है कि गलत है,
कितने देखे, करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, हजारों रिश्तेदार हैं, ना जाने कितने इस बसई में, तुम्हारे गांव में, नगर में, ना जाने कितने होंगे, पर तुम्हारी किस्मत में हजारों करोड़ों को छोड़कर यही क्यों लिखा था? और तुम्हारी किस्मत में करोड़ों लोगों को छोड़कर यही जगदम्बा क्यों लिखी थी? कारण? अरे बोलो तो, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, एक जन्म में बदला पूरा नहीं होगा तो लेंगे जन्म दोबारा। ये जो अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, कहीं पति आपको कुछ कह देता है, कहीं पत्नी आपको कुछ कह देती है, ताने देते हैं, उसका केवल एक कारण है कि जो पूर्व में संग हुआ है, कहीं आपने इनका कुछ बिगाड़ा, कहीं इन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा, तो आज भोग रहा है। महाराज जब भी बोलती है, ऐसा बोलती है कि मेरे दिल को कछोट जाता है, मन तो इतना करता है कि मैं मर जाऊं। मैंने कहा भैया मर जाएगा, दूसरी बार फिर पैदा होके सिखाएगा, इससे अच्छा भोग ले, भोग ले। कई कई माताएं कहती है इतना आड़ा टेढ़ा बोलते, गुरुजी मेरा तो मन करे मेरे को रहना ही नहीं इनके साथ। मैंने कहा जी रहना तो पड़ेगा, भले तू मर भी जाएगी, अगला जन्म लेगी, फिर भोगना पड़ेगा, फिर यही भेरू मिलेगा, इसलिए अब की बार अच्छे से भोग ले। संबंध है, क्यों रोए? मनुष्य का शरीर मिला है, जीवन मिला है, मानव की देह मिली है, और ये शरीर, ये देह भगवत भजन के लिए और भोगने के लिए मिली है। इसलिए फिर निवेदन करूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं, तू बच नहीं। एक दुकान पर सामान खरीदने जाओ तो लिखा होता है कैमरे की निगाह में आओ। भगवान कहते हैं मैंने जब तुझे माँ के गर्भ में भेजा था, उस दिन से लेकर तू मरेगा तब तक मेरी निगाह में रहेगा, तब तक तू मेरी निगाह में कितना भजन कर रहा है, कितना स्मरण कर रहा है, कितना कीर्तन कर रहा है, कितनी श्वासें तूने भजन में लगाई है और कितनी श्वासें तूने भोग और विलास में लगाई है, ये उसको ज्ञात है। एक बच्चे को 20 रुपए देकर मां ने भेजा, जा बाजार से एक साबुन लिया, कपड़े धोने का 5 रुपए का और 5 रुपए का नहाने का। हाउ मां, बच्चा गया कपड़े धोने और नहाने का साबुन लेकर आया, मां ने कहा ला पैसे वापिस दे। हिसाब लिया कि नहीं लिया? अरे बोलो तो, लिया ना। अपने बच्चों से 10 रुपए का हिसाब ले सकते हैं तो ध्यान रखना, वो भी जगत का बाप है, तुम्हारे जाते से ही एक एक श्वास का हिसाब लेगा कि कहां गवा दी है, कहां गवाई, बचपन कहां गया, जवानी कहां गई, अधेड़ी कहां गई, बुढ़ापा कहां गया, किस जगह पर इन श्वासों को गवाया है आप, किस जगह पर? इक्कीस हजार 600 श्वास जो निकल रही है इस शरीर से प्रतिदिन, एक एक श्वास का हिसाब लेगा। खैर आपका तो कुछ नहीं बिगड़ना है, क्योंकि आप तो कह दोगे कि हमारे यहां कथा हुई थी, तुमने कथा सुनी तो तुम तो बच गई, पर दिक्कत तो उसकी है नहीं, तेरा क्या होगा रे कालिया, दिक्कत तो वहां पड़ी है, तुम्हारा तो ठीक है जो हुआ।
इसलिए निवेदन है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में, जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का वास, ये उसके हाथ में। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। हर पल हर घड़ी महाराज भगवान से मांगना तो भक्ति मांगना, माया के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि भगवान अगर भक्ति दे देगा तो माया पति जब हमारे पीछे चलेगा तो माया भी उनके पीछे चलेगी। माया पति अगर हमारे पीछे चल रहे हैं तो माया भी हमारे पीछे पीछे चलने वाली। अगर आपने भक्ति मांगी है तो, और यदि भक्ति नहीं मांगी, माया के चक्कर में पड़ गए, तो फिर वो आपके हाथ, फिर वो आपका ब्रह्म, आपका महाराज। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर की पावन कथा कह रही। कल अपन ने कथा में श्रवण किया था कि भगवान आनंदकंद परमात्मा, भक्ति का रस तत्व ग्रहण करने वाले भगवान शिव का मंगल विवाह हुआ है। मंगल और मंगल विवाह की ओर जब अग्रण्य हुए, माता पार्वती जी का जन्म, मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती प्रकट हुई है, और माता पार्वती का जो प्रागट्य हुआ है, जन्म हुआ है हिमालय राज के घर में, मेनावती के गोद में, उनके गर्भ से हुआ। कथा के प्रथम में कहा था मेना, धन्या और कला, ये पितरों की तीन बेटियां, बस इन्होंने जिंदगी में एक गलती कर दी, पितृ लोक में रहने वाली इन पितरों की बेटियों ने एक गलती करी थी कि सनत कुमार बैठ कर तप कर रहे थे, सनकादि ऋषि बैठ कर भगवत भजन कर रहे थे, और वहीं से ये मेना, धन्या और कला तीनों निकल कर गई। जब पहले मेना निकल कर गई, उसके लहंगे से सनत कुमार की जंघा में चोट लग गई, फिर धन्या निकल कर गई, उनके लहंगे से चोट लगी, कला निकल कर गई, उनके लहंगे से चोट लगी। बहुत सुंदर बात है महाराज, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यदि आपको आगे बैठने का शोक है तो निवेदन है पहले जाकर बैठिए। कब बैठिए? प्रथम में, बाद में आओ, पहले बैठो, किसी के चरण में चोट ना लगे, किसी को अपना पांव ना लगे, किसी को अपनी लात ना लगे। क्यों? शिव महापुराण कथा कहती है, श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णन किया वेदव्यास जी ने, कि जब किसी पंडाल के अंदर जितने भी भगत, वैष्णव जीव, संत जन आनंदमय परमात्मा की कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं, भगवान की कथा को जब कोई श्रवण करने बैठता है तो वो केवल मनुष्य नहीं होता, 33 कोटि देवता उस कथा को सुनने के लिए बैठते हैं और उनके रूप में विराजमान होते हैं। तो हम आए और हमारे चरण किसी को लगे, हमारा पांव किसी को लगे, हमारे कहीं चोट किसी को लगे, तो उसका दुख, उसका कष्ट हमको भोगना पड़ता है, जैसे मीना, धन्या और कला को भोगना पड़ रहा। पितृलोक में रहने वाली पितरों की तीन बेटियां थी, कितनी विद्वान है ये, वैसे देखा जाए तो पितरों की चार बेटियां थी, एक भाई की तीन और एक भाई की एक, ये मीना, धन्या, कला एक थी और पीवरी एक थी। कौन पीवरी? जिसका विवाह श्री सुखदेव जी महाराज के साथ में हुआ, जिन्होंने भागवत वाची। श्री सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी का नाम था पीवरी, पितरों की बेटी थी वो भी। तो मैना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई, उनके चरण की चोट, उनके चरण का प्रहार, उनके लहंगे का, वस्त्र का चोट सनत कुमार की जंघा पर लग गया। इतने में एक चोट तो सहन कर ले व्यक्ति, अगर कोई का एक का पांव लगे तो चल जाए, पर जो निकले ने पांव मारता मारता जाए तो अच्छा लगे क्या?
वो श्रेष्ठ कहा? हमारे यहां कितना सुंदर कहा गया, भीष्म गीता में स्पष्ट कहा गया कि चार तरह का भोजन बेकार होता है। भीष्म गीता में कहते हैं चार तरह का भोजन बेकार होता है। पहले नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया फिर वही चोट लगने वाली बात है। जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो वो दरिद्रता प्रदान करता है महाराज। और चौथे नंबर का भोजन, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है महाराज। वो मदिरा के तुल्य है अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं। खैर आप लोग तो चतुर हो वसई वालों, आप लोग तो नहीं करते होगे, पर वो तो शास्त्र में लिखा है इसलिए हम बता रहे हैं। आप सब तो विद्वान हो, आपसे तो ये गलती नहीं होती होगी, फिर भी अगर कोई गलती कर रहे तो उसको सुलझाएं। कितना सुंदर लिखा है, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन करें तो वो मदिरा के तुल्य होता है। और भीष्म गीता में कहा गया पति के जीमने के बाद पत्नी अगर उसी थाली में जीम रही है तो चारों तीर्थों के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद होता है। और भी सुन लो, भीष्म गीता एक और शब्द कहती है, अगर बेटी कुंवारी है, बेटी का विवाह नहीं हुआ, बेटी अगर कुंवारी है और अपने पिता के साथ में बैठकर यदि वो भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल का हरण करती है। गौ माता, बेटी और ब्राह्मण, ये तीन काल का हरण करने वाले होते हैं। कौन कौन, जम के बोलिए जरा। गौ माता, बेटी और ब्राह्मण, ये काल का हरण करने वाले, इनको देने से कभी नहीं घबराना। बहन बेटी आए तो उसको तुरंत कुछ ना कुछ दे दो, उसको देने से घबराना नहीं। बहन बेटियों को देने से कभी नहीं घबराना चाहिए, उससे घटता नहीं है बढ़ता। पर करे क्या, जब जब बहन बेटी आती है ना तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाता है। चार दिन के लिए बहन बेटी आई, उतनी देर में तो भाभी का मुंह भगोना कब जाएगी। और तो और बच्चों पे चौकीदारी बढ़ जाती, बच्चों से कहते जा दादी के कमरे में बैठ जा, तो बच्चे कहते मम्मी तू तो बोलती थी हमेशा पढ़ने बैठ जा पढ़ने बैठ जा, अब तो न तू कहती कि दादी के कमरे में बैठ जा, तो मम्मी बोलती जब तक बुआ यहाँ रहे तू दादी के कमरे में रहे। तो मम्मी दादी के कमरे में क्यों, दादी को देखते रहे बुआ को कह दे रही है देखते। अब बच्चा दादी के कमरे में जाकर बैठ गया, अब दादी के कमरे में बैठा तो दादी ने भी उसको कहा जा पढ़ने बैठ, के नहीं बैठूंगा। अरे पढ़ने क्यों नहीं बैठता, नहीं बैठूंगा, बुलाऊं तेरी मम्मी को, बुला लो, उन्हीं ने कहा जब तक बुआ रहे जब तक यहीं रहे। अरे देने से नहीं घटता बाबा, कथा कह रही है, शास्त्र वर्णन कर रहा है, बहन बेटी को देने से घटता नहीं बढ़ता है, गौ माता को देने से घटता नहीं बढ़ता है, संत ब्राह्मण को देने से घटता नहीं बढ़ता है। पर इन तीनों के आने से लोगों का मुंह फूल जाता है। गाय आई तो डंडा लेके खड़ी हो गई, बताओ अभी तो रोटी दी थी फिर आ गई। बहन बेटी आई तो मुंह फूल गया, कोई ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ आ गया तो मुंह फूल गया, बताओ पंडित जी फिर आ गए, मतलब दक्षिणा देना पड़े, अभी तो दी थी 15 दिन पहले फिर देना पड़े। अरे ब्राह्मण, गाय और बेटी काल का हरण कर लेती है, काल को जीत रही। तुम्हारा काल हरने के लिए आई, तो निवेदन है अगर बेटी पिता के साथ में भोजन कर रही है तो उस बाप की अकाल मौत नहीं होती, काल को हरती है। और माताओं से निवेदन है
आपका नियम है कि आप अपने पति के साथ ही भोजन करती हो, तो हम आपका नियम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आप शादी से नियम लेके बैठी थी। पहली बार जब उसने टेबल पे तुमको गुलाब जामुन खवाई, तुमने उसको खवाई, उसी दिन से भ्रष्ट बाड़ा जो चालू हुआ था। तो हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, कथा के माध्यम से अगर थोड़ा सा सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं सुधरो तो सिधर जाओ, पर सुधरो, थोड़ा सा सुधरो। तुम्हारा एक साथ भोजन करने का नियम है, खूब प्रेम से करो, पर निवेदन इतना सा है, थाली दो लगाओ। कितनी लगाओ? दो, एक आपकी एक उनकी, दोनों बैठ के पाओ, पर एक थाली में दोनों मत पाओ। एक थाली में दोनों नहीं, वो मदिरा के तुल्य होता है। हमने कहा जगदम्बा शास्त्र उठाकर पढ़ ले, भीष्म गीता में लिखा हुआ है, पति पत्नी जब एक थाली में भोजन करते हैं तो उनमें प्रेम नहीं बढ़ता, पति के दिमाग में क्रोध बढ़ता है।